नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर कुमार और आप देख रहे हैं मैकेनिक ऑफ फ्रीडिस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका सेटअप बॉक्स ख़राब हो जाए या फिर कुछ ऐसा चीज़ देखना जो कि आपके सेटअप बॉक्स में नहीं आता हो, जो कि बाहर जैसे मूवी हो गया या आपका बर्थडे बर्थडे का हो गया, शादी विवाह का हो गया, आप उसे आप अपने टेलीविज़न में कैसे देख सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपके पास एक कार्ड रीडर और एक मेमोरी होना चाहिए या फिर आपके पास एक पेन ड्राइव होना चाहिए। यह चीज़ पहले मतलब होता था, आपका शादी का कैसेट बनता था, उसको डीवीडी में देखते थे, सीडी में देखते थे, वीसीआर में देखते थे। लेकिन अब अगर आपको शादी का कुछ वीडियो आएगा या फिर बर्थडे का वीडियो आप बनाते हैं तो आप उसे अपना टेलीविज़न पर अगर देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एक कार्ड रीडर और मेमोरी कार्ड या फिर पेन ड्राइव होना चाहिए। तो दोस्तों, इसे कैसे टेलीविज़न पर देखते हैं यही बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। तो इसके लिए देखिए दोस्तों, मैं अपने टेलीविज़न के बैक साइड में आ गया हूँ और वहाँ देखिए एक यूएसबी हब है। यूएसबी हब में क्या करना है दोस्तों कि जो भी आपका पेन ड्राइव हो या फिर कार्ड रीडर हो, जो कुछ भी हो उसको उसमें लगा देना। देखिए दोस्तों, मैं अभी इसे इसमें लगा देता हूँ। तो इसे लगाने के बाद कैसे चालू करते हैं यही बताने वाला हूँ अभी। तो देखिए दोस्तों, मैं इसे यूएसबी हब में लगा दिया हूँ और अब चलाते हैं टेलीविज़न के आगे। यहाँ देखिएगा कि कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आया हुआ है टेलीविज़न में। तो यहाँ पर इंटर करेंगे, रिमोट लीजिएगा, आप टेलीविज़न का रिमोट लीजिए, उसके बाद यहाँ पे इंटर कर दीजिए। जैसे ही इंटर कीजिएगा दोस्तों, ये देखिए बीच वाला बटन एंटर कीजिएगा तो आपके सामने एक ऐसा दृश्य आएगा। तो देखिए दोस्तों, इस दृश्य में आपको पता चलेगा कि कौन में आपको वीडियो देखना, इसमें फ़ोटो भी देख सकते हैं, कौन में फ़ोटो देखना और कौन में म्यूजिक सुनना। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले वाला जो देख रहे हैं इसमें आप क्लिक कीजिएगा, ओके कीजिएगा तो आपको वीडियो दिखाई देगा। दूसरा में है म्यूजिक, यहाँ पर आपको गाना सुनाई देगा। तीसरा में है फ़ोटो दोस्तों, तो इसमें आप अपना फ़ोटो, जो भी मेमोरी कार्ड में फ़ोटो या पेन ड्राइव में फ़ोटो रखे हैं वो देख सकते हैं। यहाँ मैं म्यूजिक चालू करके दिखाऊंगा। देखिए, उदित नारायण का कुछ सॉन्ग है, ये देखिए, ये इतने सारे सॉन्ग है जो सॉन्ग बजाना है दोस्तों, जो सॉन्ग प्ले करना उस पर जाके आप ओके कर दे। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे सॉन्ग है, आज कहना जरूरी, अंदाज का, भगवान का, ये सब बहुत सारे सॉन्ग है। जिससे देखिए नीचे इससे अब बैक जाना है तो देखिए रिटर्न बटन है, इससे बैक चले जाइए, फिर रिटर्न बटन दबाइएगा, फिर इसके पीछे चला जाइएगा प्रीवियस में, फिर दबाते जाइए पीछे चलते जाइएगा। अब इससे जाना है दोस्तों वीडियो में, यहाँ वीडियो प्ले कीजिएगा, एंटर कीजिएगा वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, लास्ट में मैं चेक करता हूँ, कोई भी फोल्डर में हो सकता है वीडियो, एंड्रॉयड वाला फोल्डर में। देखिए यहाँ पर वीडियो है दोस्तों, तो ये वीडियो मैं प्ले करके देखता हूँ। तो कोई भी वीडियो प्ले करके देखता हूँ। देखिए दोस्तों, ये कुछ मेरे मोबाइल का वीडियो है जो कि प्ले हो गया। तो अब मैं इसे वापस जाता हूँ दोस्तों, कि अब वापस जाने के बाद मैं दूसरा वीडियो प्ले करके देखता हूँ। तो ये भी मेरा मोबाइल का ही कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह है जो कि आप देख सकते हैं। तो फिर वापस जाएंगे रिटर्न दोस्तों, रिटर्न में जाने के बाद एंड्रॉयड में जाएंगे। देखिए, ये जो काइन वाला फोल्डर है उसमें मेरा कुछ वीडियो है दोस्तों, उसे मैं आपको अभी प्ले करके दिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारा वीडियो है जो कि मैंने दूसरा नंबर का वीडियो प्ले कर दिया, ये मेरा कोई सेटअप बॉक्स का वीडियो है। और फिर और आगे चलते हैं दोस्तों, कोई और वीडियो प्ले करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये भी मेरा कोई सेटअप बॉक्स का कुछ सेटअप कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, उसका वीडियो है दोस्तों। तो और देख सकते हैं कि जिस वीडियो को प्ले करना दोस्तों वहाँ पर जाना है, बीच से ओके बटन दबा देना। और अब बात करते हैं फ़ोटो का। तो दोस्तों, मेरे मोबाइल मेमोरी कार्ड में कोई भी फ़ोटो नहीं है जिसके कारण मैं आपको फ़ोटो नहीं दिखा सकता। बस उसका भी वही प्रोसेस है, जिस फोल्डर में फ़ोटो है उसमें जाइए और उसमें जाने के बाद उस फोटो पर क्लिक कीजिए, पूरा आपका दम बहुत बड़ा स्क्रीन में आपका फ़ोटो आ जाएगा। फिर नेक्स्ट या फिर दाएं साइड का एरो से आप उसे आगे भगा भगा कर आप अलग अलग फ़ोटो देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब देखिए रिटर्न बटन से मैं किस तरह से बैक जाता हूँ। रिटर्न बटन
पीछे जाने के लिए आपको रिटर्न बटन दबाना पड़ेगा दोस्तों। और अब देखिए कि ऐसा अगर मान लीजिए आपका मेमोरी कार्ड लगा हुआ ऐसा आ जाए तो फिर आप उसे चालू कैसे कीजिएगा, आप अपना जो भी वीडियो है उसे प्ले कैसे। देखिए मीडिया प्लेयर का एक बटन है, मीडिया पी लिखा हुआ, जैसे उसको दबाएंगे तो एक ऐसा इंटरफेस, ऐसा दृश्य आपको नज़र आएगा जिसमें आपको जो भी प्ले करना है, वीडियो, ऑडियो, फोटो, उस पे जाना है और ओके बटन प्रेस करना है, बीच वाला एंटर बटन। देखिए मैं वीडियो में जाऊंगा और वीडियो में जाने के बाद कोई भी वीडियो पर जाकर इंटर बटन दबाऊंगा तो देखिएगा कि मेरा वीडियो चलने लगेगा। तो देखिए दोस्तों यही सब कुछ था।